लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हरियाणा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए इस हादसे को आप कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं और डॉक्टरों की लापरवाही भी। यहां एक 80 साल के बुजुर्ग को मृत बताने के बाद वह फिर जिंदा हो उठा। बादली सब डिविजन के बुपनिया गाँव के रहने वाले 80 साल के राज मिस्त्री सुरते को हार्ट अटैक आने पर अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने कुछ समय के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ही मृत बता दिया। डॉक्टरों ने घर वालों को डेड बॉडी ले जाने भी कह दिया, लेकिन काफी रात हो चुकी थी। घर वालों ने सुबह डेड बॉडी ले जाने की बात कही, लेकिन सुबह क्या होने वाला है उन्हें नहीं पता था। अगले दिन सुबह डेड बॉडी ले जाने की बात कहकर कुछ लोग घर लौट गए, कुछ वहीं अस्पताल में ही रहे। पूरे परिवार में इस बात की जानकारी दी गई। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की गईं। जब घर वाले डेड बॉडी लेने अस्पताल पहुंचे, तो अचानक सुरते की सांसें चलने लगीं। वह उठकर बैठ गए। यह नजारा देख डॉक्टरों के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगीं। वहीं शोकाकुल परिजन हैरान हो गए। सभी के चेहरे पर खुशी दिखने लगी। परिजन सत्यनारायण ने बताया कि सुरते को यह तीसरा अटैक पड़ा था। उनके मरने की खबर सुनने के बाद उन्होंने अस्पताल का 30,000 रुपए के बिल का भुगतान भी कर दिया था, लेकिन भगवान की कृपा से वे दोबारा जिंदा हो गए। उन्होंने बताया कि सुरते अभी ठीक हैं। वहीं डॉक्टर संजीव का कहना है कि रोगी का हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो उसे वेंटिलेटर से उतारा जाता है। अगर इसके बाद भी मरीज की सांस दोबारा आती है तो यह कुदरती प्रक्रिया ही है।